अब राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं और तालिबान ने कहा है कि 20 साल के इंतजार के बाद वो सत्ता के बेहद करीब पहुंचा है। तालिबान ने यहां एक के बाद एक शहरों पर कब्जा किया। कई शहरों के गवर्नरों ने उनके सामने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया और उसके लड़ाकों को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। इस बीच कई देश काबुल में मौजूद अपने दूतावासों से अपने राजनयिकों और नागरिकों को निकालने की कोशिशें तेज कर रहे हैं। राजधानी में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है और लोग जल्द से जल्द देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अब तक क्या क्या हुआ उस पर एक नजर डालते हैं। अफगानिस्तान को लेकर चौतरफा आलोचनाओं से घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो अमेरिका का वहां से निकलना बेहद अलग और बहुत सफलतापूर्वक होता। वहीं बाइडन प्रशासन ने उन पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। अफगानिस्तान से भागने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि देश में रक्तपात रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने एक वीडियो फेसबुक पर जारी करते हुए अपने प्रशंसकों से कहा कि वो काबुल में ही रहेंगे। अमेरिका के देश में सैन्य अभियान के बाद 2001 में करजई देश के नेता बने थे। काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी कमर्शियल उड़ानों को निलंबित कर दिया गया। वहां से केवल सैन्य विमानों के संचालन की अनुमति दी गई है। इससे पहले तालिबान ने दावा किया कि उसने काबुल में राष्ट्रपति भवन को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसके कुछ घंटों बाद अल जजीरा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें तालिबान के लड़ाके राष्ट्रपति भवन के भीतर नजर आए। तालिबान ने यह भी दावा किया कि उसने काबुल के कई जिला केंद्रों में अपनी पहुंच बना ली है और उनमें से 11 को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान स्थित अपना दूतावास काबुल एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया है। दूतावास की इमारत पर लगा झंडा भी उतारकर एयरपोर्ट ले जाया गया है। बाद में इसे अफगानिस्तान से हटा लिया जाएगा। भारतीय समयानुसार रविवार देर शाम तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने देश छोड़ दिया था। दूसरी तरफ तालिबान ने एक बयान जारी करके कहा कि उसके लड़ाके आधिकारिक तौर पर काबुल के इलाकों में दाखिल हो रहे हैं और दफ्तरों को कब्जे में ले रहे हैं। तालिबान के कब्जे में आने और अफगान राष्ट्रपति के देश छोड़ने के बाद वहां कई जगहों पर गोलियों की आवाजें सुनी गईं। रविवार को अफगानिस्तान में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच ब्रिटेन सरकार ने अफगानिस्तान के छात्रों की शिवनिंग स्कॉलरशिप रोक दी और कहा कि अगले महीने से ब्रिटेन में स्कॉलरशिप पर पढ़ने जा रहे छात्रों का अब दाखिला नहीं हो पाएगा। हालांकि इसके कुछ घंटों बाद ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ऐसे अफगान छात्रों की मदद के लिए उन्हें वीजा देने की कोशिश की जाएगी। सरकार के इस फैसले का असर 35 अफगान छात्रों पर पड़ेगा जिनमें से लगभग आधी महिलाएं हैं। तालिबान ने काबुल के बाहरी इलाके में मौजूद बगराम एयरफील्ड और जेल को कब्जे में लेने का दावा किया। इसी सैन्य हवाई अड्डे से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने 20 साल चले युद्ध को संचालित किया था। अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री अब्दुल सत्तार मीरज कवाल ने टोलो न्यूज को दिए एक बयान में कहा है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होगा और अंतरिम सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि काबुल पर हमला नहीं होगा। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने बिना किसी खास प्रतिरोध के बामियान प्रांत पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान ने 20 साल पहले यहां मौजूद बुद्ध की प्रसिद्ध मूर्ति को बारूद से उड़ा दिया था। अफगानिस्तान की महिला सांसद फरजाना कोचाई ने बीबीसी से कहा है कि लोग राजधानी काबुल छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भागने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। उन्होंने बीबीसी से कहा कि तालिबान के नियंत्रण में आने वाले इलाकों में महिलाओं ने काम पर जाना बंद कर दिया है। वो स्कूल या दफ्तर नहीं जा रही हैं। अफगानिस्तान में तेजी से बदलते घटनाक्रम को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवान काबुल भेजे। दूसरी तरफ अमेरिका अपने नागरिकों और दूतावास कर्मचारियों को भी काबुल से तेजी से निकालने के काम में जुट गया। रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से महज कुछ घंटों की दूरी पर मौजूद जलालाबाद शहर पर कब्जा करने के बाद तालिबान के लड़ाके काबुल के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए। इससे एक दिन पहले तालिबान ने मजार ए शरीफ शहर पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद तालिबान ने कहा कि वो अफगान सरकार के साथ शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को लेकर बातचीत कर रही है और जब तक बातचीत जारी है उसके लड़ाके राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे। तालिबान की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया कि काबुल एक घनी आबादी वाला शहरी इलाका है जहां नागरिक आबादी को खतरा हो सकता है।
इसी दौरान अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक संदेश पोस्ट करके नागरिकों को भरोसा दिलाया कि राजधानी में स्थिति नियंत्रण में है।